अंशु जी, अगर हम आज की बात करें निफ्टी की, तो आज निफ्टी 7848 पे ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली 8036 का उसने हाई लगाया और उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन हुआ 7511 पे। लेकिन अगर हम बात करें तो फिर स्लोली वो रिकवर हुआ और 7994 का लेवल टच किया। उसके बाद FM का अनाउंसमेंट आए, तो FM के अनाउंसमेंट को मार्केट को अच्छा नहीं लगा और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया 7746 पे और फाइनली क्लोजिंग दी 7801 पे। अगर हम आज की बात करें, आज इवनिंग में अगर आप देखें तो PM की एक अनाउंसमेंट होने वाली है 8 बजे, तो वो अनाउंसमेंट में देखना होगा वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ही एक क्विक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है इस समय पे बहुत ज़्यादा, और उसके लिए क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है ऑलमोस्ट, और ले ऑफ का एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है इंडिया पे, तो वो देखना होगा कि PM किस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि FM ने अभी तक किसी तरह की कोई राहत की, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं की है अपने अनाउंसमेंट में, तो वो देखना होगा। अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट निफ्टी के लिए लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल अगर निफ्टी 8157 अगर टच करता है तो आपको सेल करना चाहिए, और अगर 7500 का लेवल टच करता है तो आपको बाय करना चाहिए। थैंक यू।